Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. Hello friends, मैं हूं बक्शिंदर सिंह, और आप सबका वेलकम है आज के व्लॉग में. फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं गोवा की फेमस उथोडा बीच देखने. तो चलिए फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा चलेंगे बीच पर. फ्रेंड्स, उथोडा बीच साउथ गोवा में है. अगर आप इसकी लोकेशन को गूगल में सर्च करेंगे तो बिल्कुल ठीक बताएगा. वास्को दुगामा रेलवे स्टेशन से उथोडा बीच लगभग 21 किलोमीटर है. दाबोलीम एयरपोर्ट से उथोडा बीच लगभग 17 किलोमीटर है. मडगांव रेलवे स्टेशन से उथोडा बीच लगभग 12 किलोमीटर है. और पंजिम बस स्टैंड से उथोडा बीच लगभग 28 किलोमीटर है. फ्रेंड्स, ये उथोडा बीच की पार्किंग है और यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल फ्री है. और ये देखिए फ्रेंड्स, उथोडा बीच का शानदार नजारा. फ्रेंड्स, ये बीच बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ है. आपको यहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी दिखाई नहीं देगी और यहाँ का पानी भी बहुत साफ है, जो कि ब्लू कलर का दिखाई देता है. और यहाँ की रेत व्हाइट कलर की है, जो कि बहुत ही मुलायम है. देखिए फ्रेंड्स, कितनी कमाल की बीच है. पानी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, एकदम साफ पानी है. अभी दोपहर का टाइम है, धूप बहुत तेज है, इस वजह से बीच आपको खाली दिखाई दे रही है, क्योंकि लगभग सभी टूरिस्ट शैक में बैठकर रेस्ट कर रहे हैं. लेकिन जैसे ही शाम होएगी, बीच के ऊपर क्राउड बढ़ जाएगा और बीच का माहौल बहुत बढ़िया हो जाएगा. तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले बीच की राइट साइड में चलते हैं और वहां पर चलकर देखेंगे कैसा माहौल है और कैसा व्यू दिखाई देता है. ये देखिए फ्रेंड्स, ये उथोडा बीच है जहाँ से हम आए हैं. और अभी मैं उथोडा बीच और आरोसिम बीच के बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ और मेरे को यहाँ तक पहुँचने में लगे सिर्फ 15 मिनट. और मेरी राइट साइड में है आरोसिम बीच. ये देखिए फ्रेंड्स, ये आरोसिम बीच है. फ्रेंड्स, आरोसिम बीच भी बहुत ही सुंदर है. मैंने उसकी फुल डिटेल में वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो भी एक बार देख लें. अब मैं वापस बीच के सेंटर पॉइंट पर आ गया हूँ और अब हम बीच की लेफ्ट साइड में जाएंगे और वहाँ पर चलकर देखेंगे कैसा व्यू है और कैसा माहौल है. फ्रेंड्स, इस बीच के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल शेक है. एक शेक मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ. ये देखिए फ्रेंड्स, कितने कमाल का शेक है. मैंने यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर रेस्ट किया और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी. यहाँ का स्टाफ भी बहुत कमाल का है, उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है. इनका मेन शेक पीछे है जहाँ पर बार है, म्यूजिक है. मैं इनका मेन्यू भी आपको दिखा देता हूँ. आप जब भी उथोडा बीच पर आएँ, यहाँ पर ड्रिंक्स और खाना ज़रूर ट्राई करें. फ्रेंड्स, जब समुंदर के अंदर पानी बहुत ऊपर आ जाता है तो इस तरह से बीच के ऊपर आकर कभी कभी रुक जाता है, जो कि वापस पीछे नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डाउन एरिया है और ये पानी यहाँ पर रुके रुके काफ़ी गंदा भी हो गया है. लेकिन फ्रेंड्स, रात के समय यही पानी बहुत सुंदर दिखाई देगा और जब आप इस पानी के पास में खड़े होकर फोटोज़ क्लिक करेंगे या वीडियोज़ बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. फ्रेंड्स, इस बीच के ऊपर और भी बहुत सारे खूबसूरत शेक हैं जहाँ से आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंजॉय कर सकते हैं. आपको यहाँ पर वेज, नॉन वेज और सी फूड और रशियन फूड भी मिल जाएगा.
और ड्रिंक्स में आपको यहाँ पर हर तरह की ड्रिंक मिल जाएंगी, जैसे बियर, विस्की, जूस, शेक और रम, जिन, हर एक तरह की ड्रिंक आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बीच का ये वाला हिस्सा भी कितना सुंदर है। यहाँ पर कुछ फैमिलीज वॉक कर रही हैं और समुंदर के पानी में एंजॉय कर रही हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर सभी तरह के वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हो। और आज तो इस बीच के ऊपर गायें भी घूमने के लिए आई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाटर स्पोर्ट्स जोन है, यहीं पर ही सभी तरह के वाटर स्पोर्ट्स कराए जाते हैं। यहाँ पर पैरासेलिंग का रेट 1200 रुपये है और जेट स्की का 500 रुपये है। और वो देखिए फ्रेंड्स, पीछे इनका बुकिंग काउंटर भी है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये उथोटा बीच है जहाँ से हम आए हैं। और अभी मैं उथोटा बीच और माजोटा बीच के बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ और यहाँ तक पहुँचने में मेरे को लगे सिर्फ 15 मिनट। और ये देखिए, ये मेरी लेफ्ट साइड में है माजोटा बीच। यह बीच भी बहुत ही सुंदर है, मैंने इसकी भी फुल डिटेल में वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो भी एक बार देख लें। फ्रेंड्स, अब शाम के 4:30 हो गए हैं और बीच के ऊपर क्राउड बढ़ने लगा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक ऐसी बीच है जहाँ पर बहुत ही लिमिटेड क्राउड रहता है। आपको यहाँ पर सिर्फ सैटरडे संडे को ही थोड़ा अच्छा क्राउड देखने को मिलेगा, अदरवाइज इस बीच के ऊपर बाकी दिनों में बहुत ही कम क्राउड होता है। और इसी वजह से यह फॉरनर्स की फेवरेट बीचेस में से एक है, क्योंकि फॉरनर्स को ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली बीच के ऊपर जाना पसंद नहीं है, क्योंकि उनको सन बाथ लेना होता है, पानी में एंजॉय करना होता है और शेक में आराम करना होता है। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल शेक भी हैं, इसलिए फॉरनर्स यहाँ पर काफ़ी आते हैं और जी भर के एंजॉय करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आए हुए लोगों ने वाटर स्पोर्ट्स करना स्टार्ट कर दिया है। एक बार मैं इसका रेट आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर पैरासेलिंग का रेट 1200 रुपये है। और आप जब भी यहाँ पर आए, एक बार पैरासेलिंग जरूर ट्राई करें। And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna do? Friends, वैसे तो सबकी अलग-अलग choice होती है, लेकिन मैं अपनी choice की बात करूं, तो मेरे को South Goa के बीच ज़्यादा पसंद है North Goa के बीच के मुकाबले, क्योंकि साउथ गोवा की बीच बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ और बहुत ही खुली डुली हैं, और यहाँ पर क्राउड भी बहुत ही लिमिटेड रहता है। नॉर्थ गोवा की बीचेस के ऊपर आपको क्राउड भी ज़्यादा दिखेगा, बीचेस भी थोड़ी कंजस्टेड दिखेंगी, और बहुत ही कम बीच है नॉर्थ गोवा के अंदर जो बहुत ही खुली डुली और बहुत ही साफ हैं। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ गोवा आ रहे हैं और आप ऐसी बीच चाहते हैं जहां पर क्राउड कम हो, बीच खुली डुली हो, इंजॉय करने के लिए ज़्यादा जगह हो, तो आपको साउथ गोवा की बीचेस पे आना चाहिए, क्योंकि जो हमारी इंडियन फैमिलीज़ की लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर पानी में नहाने में शर्माती हैं, इंजॉय करने में शर्माती हैं। और यहाँ पर बीच बहुत बड़ी है, बहुत खुली डुली है, बहुत ज़्यादा जगह है इंजॉय करने के लिए, उनको यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए साउथ गोवा की बीचेस फैमिलीज के लिए परफेक्ट है।
Yeah. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. Friends, अब शाम के 6 बज गए हैं और मौसम बहुत ही कमाल का हो गया है, हवा बहुत ही बढ़िया चल रही है और आजकल सनसेट शाम को 6:30 6:35 के आसपास होता है। ये देखिए फ्रेंड्स कितने कमाल का व्यू है, माहौल कितना ही अच्छा लग रहा है, सब लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं। What you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? And do you believe you can do anything? What you gon' do for it? फ्रेंड्स अब सिर्फ 5 से 10 मिनट में सनसेट हो जाएगा। देखिए कितना शानदार नज़ारा है, आसमान में पूरी लालिमा छाई हुई है, ये व्यू बहुत ही कमाल का है। फ्रेंड्स आप जब भी अपनी फैमिली के साथ गोवा आएँ, भले ही आप गोवा की किसी भी कोने में रुके हों, उसके आसपास जो भी बीच हो, शाम के समय वहाँ पर जाएं और सनसेट जरूर देखें, आपको ये नज़ारा बहुत ही पसंद आएगा, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। फ्रेंड्स अब रात हो गई है और सभी शैक वालों ने लाइटें ऑन कर दी हैं। ये देखिए कितना शानदार व्यू है और इस तरह से समुंदर किनारे इन शैक में बैठकर डिनर करने का तो मज़ा ही अलग है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, आप जब भी गोवा के किसी भी शैक में जाएं, वहाँ पर जाकर पहले मेन्यू ज़रूर चेक करें, क्योंकि कुछ शैक में खाने का रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अगर आप पहले खाने का रेट चेक कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स आप उथोटा बीच के नाइट व्यू को एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको बहुत ही बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और हाँ फ्रेंड्स अगर आपको गोवा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। तो ओके फ्रेंड्स जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय। To fight, to die, and this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. In the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?